दूसरी जानिब आपको बताएं कि नेपाली सफीर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद आपको आगाह करेंगे। नेपाली सफीर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद, इस मौके पर वीसी और साथ साथ दीगर प्रोफेसर भी मौजूद थे। आपको आगाह करेंगे नेपाली सफीर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये नेपाल की पाकिस्तान में सफीर सेवा अधिकारी जो हैं, उन्होंने अपने डिप्टी एम्बेसडर तीर्था राज आरियल जो है उसके हमरा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया, और इस मौके पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फखर इमाम, जबकि सीनियर प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर जोरा खानम, प्रोफेसर डॉक्टर मुनजा क्यूम और प्रोफेसर डॉक्टर तहरीम फातिमा और डॉक्टर नहीद जो है वो उनके साथ थी, जबकि नेपाली स्टूडेंट जो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम है वो भी इस मौके पर मौजूद थी। इस हवाले से जो है वो इस मुलाकात में नेपाली सफीर की जानिब से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो तिबी तालीम फराहम की जा रही है उस पर जो है वो इजहार तशक्कर किया। उनका कहना था कि बैन अल-अक़वामी मेयार की हामिल जो मेडिकल एजुकेशन है वो इस अदारे में फराहम की जा रही है, और इसका बड़ा सबूत यह है कि जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जो है वो पास आउट होकर यहाँ से MBBS करने के बाद जो है और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो अपने मुल्क में ग्रां कदर खिदमात जो है वो तिब के शोबे में सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो रेसिप्रोकल सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को मजीद जो उनकी तालीम के हवाले से जो है वो सहूलतों को फरोग दिया जा सकता है, और इस हवाले से जो मजीद अपॉर्चुनिटीज हैं उन पर भी जो है वो डिस्कशन की गई। और नेपाली सफीर ने जो है वो उम्मीद जाहिर की कि न सिर्फ जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो टाइज मुस्तकबिल में मुस्तहकम होंगी, बल्कि इसके साथ साथ जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो नेपाली गवर्नमेंट का और जो एक जो है वो इस हवाले से जो रबताकार है उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। जबकि वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फखर इमाम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक यूनिक हैसियत हासिल है जहाँ पे न सिर्फ नेपाल बल्कि खत्ते के और दीगर जो है वो ममालिक से जो तालबात हैं वो हर साल जो है वो दाखिल होती हैं, जिससे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक बैन अल-अक़वामी सतह पर जो है वो एक मुमताज मकाम हासिल है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें आगाह करते। डॉक्टर नाहिद अशमत और नेपाली तलबा भी इस मौके पर मौजूद थे।